हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं समोसे बनाऊंगी। समोसे भी लहरिया समोसे यानी स्टिप समोसा, ये सबको पसंद आते हैं। ये देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी लगते ही है। तो मैं आज स्टिप समोसा बनाऊंगी। आज हम लहरिया समोसा बनाएंगे यानी स्टिप समोसा। ये देखने में बहुत ही आकर्षित लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया एक बड़ा कप, ये करीब 250 ग्राम मैदा है, और दो बड़े आलू लिए हैं, ये कुछ पनीर के पीसेज हैं, और ये बॉयल मटर है आधा कप, और ये दो हरी मिर्चे हैं, थोड़ा सा धनिया है, और दो बड़े चम्मच मैदा में मिलाने के लिए रिफाइंड ऑयल है। कुछ मसाले लिए हमने, ये आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच लाली मिर्ची है, और ये गरम मसाला है, ये अजवाइन है, इसको हम आटे में डालेंगे मैदा में, और ये नमक है, एक चम्मच नमक है, ये अमचूर पाउडर है आधा चम्मच। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, मैंने बड़ा बाउल लिया है, और इसमें मैं इस मैदा को मिला लूंगी, और मैदा में अजवाइन और आधा चम्मच करीब नमक मिलाऊंगी मैं इसमें, और ये रिफाइंड है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें ये रिफाइंड ऑयल मिलाऊंगी और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पानी मिलाएंगे। मैंने ऑयल को अच्छी तरह मिला लिया है, और देखिए तेल की क्वांटिटी इस तरीके से रहनी चाहिए कि हमारा आटा इस तरीके से बिना पानी के बाइंड होना चाहिए, तभी हमारे समोसे अच्छे बनेंगे। अभी मैंने पानी इसमें नहीं डाला है, और बिना पानी के इस तरीके से रहना चाहिए। देखिए इसका कुछ येलो इस कलर भी आ गया है, तो इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें कितना आटे में ऑयल डालना है। अब इसमें पानी डालूंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हम इसको गूथेंगे। समोसे का आटा हमको एकदम से सख्त लगाना है, और इसका आटा एकदम से सख्त लगाते हैं, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। हमारा एकदम से सख्त आटा मढ़ करके तैयार हो गया है। अब हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और हल्का सा हमने गीला कपड़ा कर लिया है थोड़ा सा, उससे इसको ढक करके रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट पर रखा हुआ है, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं समोसे की। और मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस भी ऑन कर दी है, और मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, मैंने एक छोटी चम्मच ऑयल लिया है, तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ, और ये अदरक, अदरक का मैंने अदरक को घिस लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं अदरक का। और ये सामग्री में बताना रह गया था, आप डालना चाहो तो डालें, इससे बड़ा अच्छा खुशबू और टेस्ट दोनों ही आते हैं। ये मटर है, ये ऑप्शनल है, और ये पनीर के टुकड़े थोड़े से, ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें और नहीं तो अवॉइड कर दें। अब मैं इसमें मसालों को डाल देती हूँ, ये लाल मिर्च है, गरम मसाला, और ये अमचूर पाउडर है, इसको भी मिला लेती हूँ। जरा सा भूनने के बाद मैं इसमें आलू मिलाऊंगी, आलू को मैंने मैश कर लिया है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, और धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक भी मिला लेती हूँ। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, मैं इसमें धनिया पाउडर मिला ली, धनिया पत्ती मिला लेती हूँ, और अच्छे से मिलाने के बाद गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद कर रही हूँ, करीब आधा घंटा हो गया है, मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारा आटा भी सेट हो गया है, और ये आटा इस तरीके से यदि वापस आए
देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो समझिए कि आटा पूरी परफेक्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक बार और मल लेती हूँ, फिर इसके हम समोसे बनाएंगे। अब हम इसमें से आटा इस तरीके से तोड़ लेते हैं और उसके समोसे बनाते हैं। इस तरीके से स्मूथ करके और इसको बेलेंगे हम, और जब तक इस आटे को ढक देते हैं। हम इसे मोटा ही बेलेंगे, रोटी से थोड़ा सा मोटा और थोड़ा ओवल शेप में लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये बेल लिया है ओवल शेप में। अब हम इसमें से इसके बीच में से दो पार्ट करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बीच में से, देखिए इस तरीके से। अब हम एक पार्ट के इस तरीके से स्ट्रिप्स करेंगे, काटेंगे, और इसके इस भाग को और इस भाग को दोनों कोनों को आधा आधा इंच करीब जुड़े रहने देंगे, और इधर आधा इंच के छोड़ने के बाद में हम इसमें स्ट्रिप्स बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इसको पूरा एंड तक नहीं ले जाना है, बहुत विशेष ध्यान रखना है इसका, देखिए इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर पानी लगा लेंगे। पानी इसलिए लगाया है कि ये अच्छी तरह से इससे चिपक जाए, अच्छी तरह ग्रीसिंग करेंगे पानी से। और इस दूसरे पार्ट को हम इस पर इस तरीके से पूरे में लगा देंगे इस तरीके से। और मैं इसको हल्के हाथ से एक बार और बेल लेती हूँ, ज्यादा नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथ से ही बेलना है जिससे अच्छे से चिपक जाए। इससे केयरफुली उठा लेंगे इस तरीके से। अब हम इस पार्ट पर भी पानी लगा लेंगे। इस तरीके से पानी लगा करके आप उंगली से भी लगा सकते हैं, और इन दोनों पार्टों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। ये सबसे अहम पार्ट है, इसको अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे और हमारी कॉर्न बन करके तैयार है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से हम दबा देंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग दबा दबा के भरेंगे अच्छी तरह से। हाथ से अच्छी तरह से इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और हम इस हाथ से इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और हम इस तरीके से दबा करके इसको अच्छी तरीके से दबा देंगे। देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं, दूसरा तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी तैयार कर लेते हैं, इसको भी अच्छे से बेलते हैं। इसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। हमने इसको भी बेल लिया है, अब हम इसके भी इसी तरीके से पार्ट करेंगे और दूसरे पार्ट पर इसी तरीके से हम स्ट्रिप्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इधर का और इधर का पार्ट जुड़ा रहने देंगे आधा आधा इंच एंड में। देखिए इस तरीके से, अब हम इस पर पानी लगा लेंगे अच्छी तरीके से। इस वाले पार्ट को इस पर केयरफुली रख लेंगे, अच्छे से थोड़े से इस तरीके से बेल लेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। इसको हाथ में लेकर के इस पार्ट पर भी हम अच्छे से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, हाथ से भी लगा सकते हैं इसी तरीके से, और इसको इस तरीके से
इस तरीके से तैयार कर लेंगे कॉर्न। देखिए अब इसमें स्टफिंग भर लेंगे, स्टफिंग कर लेंगे। इसी तरीके से सारे हम तैयार कर लेंगे। इस पर भी हम पानी लगा लेंगे। समोसे तैयार कर लिए बेल करके, और मैंने गैस पर कढ़ाई भी रख दी है और मेरी गैस भी ऑन कर दी है मैंने। तेल गरम होने लगा है, एक बार चेक कर लेते हैं तेल गरम हो गया क्या। बबल्स आ रहे हैं, हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसको भी इसको निकाल लेती हूँ। और समोसे हमको धीमी आंच पर ही सेकने, एकदम धीमी आंच रखनी है, हमको तेज नहीं करना है। और मैं इसमें समोसों को डाल देती हूँ। देखिए हमारे सिकने लगे हैं और थोड़े बड़े बड़े भी हो गए हैं। देखिए बहुत ही ध्यान रखना है, हमें इसे धीमी आंच पर ही सेकने हैं, तेज आंच नहीं करनी है, नहीं तो हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से सिके से लगेंगे और खाने में मैदा का टेस्ट आएगा। तो बहुत ही धीमी आंच पर ही हमें सेकने हैं, चाहे टाइम ज्यादा लगे, पेशेंस रखना है हमें। हम इन्हें पलट देंगे और हर 5-5 मिनट पर उलटते पलटते रहेंगे, जिससे अच्छे से अच्छी तरह से दोनों साइड से सिक जाए। देखिए हमारे धीरे धीरे सिकने लगे, हमारे समोसे सिक चुके हैं। देखिए लाइट ब्राउन हो गए और इन्हें सिकने में करीब 15 से 16 मिनट लगाए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी बने। इसको भी निकाल लेती। लहरिया समोसा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे बने। आप इस तरीके से लहरिया समोसा बनाइए, खाइए और सर्व कीजिए। अपने अनुभव मेरे चैनल बुर्जवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।